चंडीगढ़ है ये पंजाब का है या नहीं, केंद्र तो लगता है कि पंजाब नू नहीं देना चाहता। पहला भी सरकार हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहला इंदिरा गांधी वेले खास तौर पर राजीव गांधी वेले जे थोड़ी जी हिम्मत सुरजीत सिंह बरनाला ने दिखाई होंगी तो सियासी च आ सकता सी, कहो पुरानियां गल्लां ने ते नहीं आया पंजाब च। हुण की है ते हुण हरियाणा नू जे देनी है राजधानी तो तुसी पंचकूला उन्हां दा नाम दी सिटी है, वह भी तो चंडीगढ़ दा बिल्कुल दो सिटी, चंडीगढ़ जिन्हों ट्राई सिटी कह दिंदे आ, चंडीगढ़ ते मोहाली, मोहाली पंजाब दा, पंचकूला हरियाणा दा, उन्होंने दे दो। नहीं तुसी किते भी लै सकदे हो, सेंटर च कोई दिता जा सकता है, गुड़गांव बनाई किते भी दिती जा सकती है जगह जे देनी होवे, लेकिन केंद्र चाहुंदा है कि इस तरह बंडे रहन पंजाब ते हरियाणा। उन्होंने देख लिया जदों किसान अंदोलन च जदों भी पंजाब हरियाणा इकट्ठा हो तो केंद्र दे लई सिरदर्दी बनो, एक गल तो समझ आउंदी है केंद्र दी अमित शाह दी नीति दी। भारतीय जनता पार्टी जी हरियाणा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्होंने कुछ करना ही करना है, और मनोहर लाल खट्टर कला ही नहीं, उन्होंने होर भी कई मंगा रखी सी कल की मीटिंग च, जिवें एस वाई एल की मंग ते वह भी बना के दो, पानिया की तो उन्होंने जरूरत है ही है, फिर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी च भी अपनी हिस्सेदारी रखी थी, जिनी पूरी सरीकेबाजी जिवें भरावें च होंदी है खट्टर साहब की नजर आउंदी। ये गल तो बिल्कुल ठीक है कि पंजाब जड़ा है वो चंडीगढ़ तो हक हौली हौली होया जा रहा है, विरोधी तरह यह कर रही ने खट्टर साहब करे कर। मैनू तो सब तो वड्डी हैरानी उदों हुई जदों इस मामले ते सरदार भगवंत सिंह मान चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने भी ट्वीट करके अपील करती, कहते सानू भी हरियाणा की तर्ज ते विरोध नहीं किया भी हरियाणा ना दो भी चंडीगढ़ जगह, यह कहा कि सानू भी इस तरह कोई जगह दे दो, मतलब कि असी चंडीगढ़ तो छड़िया अपना हक जिहड़ा विधानसभा दे विच भाषण दिता सी कि चंडीगढ़ साडा है, ते जे चंडीगढ़ साडा है विधानसभा साडी है हाई कोर्ट साडी है ते फिर असी यह क्यों कहने भी सानू जगह दो, इत्थे कौन आऊ फिर, जिहड़ी पंजाब भी आपदी विधानसभा दी जगह मंग रहा हरियाणा मंग रहा है, जिहड़ी मौजूदा जिहड़ी जगह है जिहड़ी विधानसभा उह की दी है, पंजाब दा हक मनना तो यह चाहिए सी कि हरियाणे नूं कह दे मान साहब कि जी बिल्कुल दिओ इन्हां नूं कितें दे दो, चंडीगढ़ दा लीडर और सुनर पंजाब नूं देने देना तुसीं, पंजाब दा हक बनता है भी हक, कहा भी सी इन्हां ने जदों विधानसभा च भावें मता ही पास किया गए नहीं, जो गल्लां कीतियां सी ओह नहीं पूरियां होईयां, लेकिन मता तो पास किया जा, ये कहने के पिछे की तर्क है कि सानू भी जगह दे दो, पहला भी यह गल उठी सी कि हाई कोर्ट की सानू जगह दे दो, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कठी है, हरियाणा तो मंगे मंगे, पंजाब क्यों मंग रहा है, भगवंत मान साहब क्यों मंग रहे हैं, देखो विरोधी पार्टियां जो कहेंगे वह तो मान साहब की आलोचना करनगियां, उन्हां दा काम भी हुंदा है सत्ताधारित्व की आलोचना करना, लेकिन अज आम पंजाबी पुछदा है मान साहब ये गल की हुई है तुसीं क्यों ये कर रहे हो, क्यों पंजाब तो पंजाब का हक जड़ा है उन्हों तुसी छड़ रहे हो, जदों के कहना तो यह चाहिए कि पंजाब साडा है विधानसभा साडी है, बिल्कुल अमित शाह जी ठीक किया पर चंडीगढ़ च नहीं तुसी दे सकते, उहदा एक तर्क भी दे सकते हो मान साहब, तर्क यह है कि ली कारबूजिया ने जदों ये विधानसभा जां चंडीगढ़ नूं डिजाइन किया सी इहदे च कोई अमेंडमेंट की जगह नहीं रखी, सब कुछ बदल जूए, ये तो वैसे भी हैरीटेज का दर्जा मिले हुआ है, कितने जगह मिल जूगी इन्हों क्यों देंगे, फिर तो बाकी जहे शहर सिटी ब्यूटीफुल भी हो जा हो जू, तुसी ये तर्क दो, तुसी कहो भी बिल्कुल ठीक है हरियाणा नूं पैसा दो जगह दो जिथे मर्जी बनाओ, लेकिन आपां तां पंजाब दा ते चंडीगढ़ का हक ही खत्म कर जा रहे हैं, जो आप कह दें सानू भी हाई कोर्ट वक्री बना दो सानू भी विधानसभा वक्री बना दो, हुण गल है तुहानू भी एक दूजे चर्चा की हो मैनू भी यह सवाल कई बार पूछा गया दोस्तों मित्रों पोलीटिकल बंद वालों भी की यदा तर्क हो सकता, मैं मैंने तो हैरानी हुई है, वैसे यदा तर्क जो लभना ही है पोलीटिकल बंदे तो लभते रहेंगे, जे आप लभना नॉन पोलीटिकल बंद ने तो लगता यह है कि जे हरियाणा च केजरीवाल साहब ये कह देंगे दे कि जी पंजाब का विधानसभा पंजाब की है पंजाब का हक है
तो फिर हरियाणा च इलेक्शन च जाके किवें कहणगे, वो कहणगे तुसीं हरियाणा विरोधी हो। तो इस करके इन्होंने अजीब किस्म का बयान देता, अपील करती ट्वीट करके कि जी रोला घोला जिहा पवा दो, कचौड़ा जिहनूं कहिंदे आ उह पा दो, ये मैनूं लगता। अदरवाइज तो पंजाब का हक है, तो पंजाब के मामले दे च मान साहब नूं पंजाब के हक च खड़ना चाहिए कि यह सारा कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी भी, पंजाब विधानसभा भी, पंजाब हाई कोर्ट भी, यह साडी है। खैर उन्होंने ये करता, हुण रौला लग पै गया, पैना ही सी कि हालांकि उस मीटिंग दे विच बहुत कुछ होर उच्ची सुर दे विच मंगिया जा सकदा सी। दो बंदे पंजाब दे मान साहब दी जिहड़ी है दे राजदूत उत्थे सी, एक हरपाल सिंह चीमा खुद वकील ने, दूजा वधिया रेटर है हरजोत सिंह बैंस, वह भी वकील है। तो दोनों जिहड़े उत्थे जाके वधिया वकालत कर सकदे सी, उन्होंने अपने पद्धर ते केस रखण दी कोशिश कीती। पानियां दे मामले ते भी उन्होंने गल कीती, लेकिन इस मामले से चंडीगढ़ के मामले से या हाई कोर्ट विधानसभा के मामले से शायद उन्नी उच्ची सुर दे विच उन्हां दी गल नहीं सुनी गई। गए सी उत्थे, ऐसी कोई गल नहीं कि पंजाब की रिप्रजेंटेशन उत्थे नहीं रही। हुण गल तां इह है, विरोधी धिरां ने तां कहिणा, जे मैं तुहानू विरोधी धिर दी कल्ले कल्ले दस्सां तां देखो विधानसभा के मामले च अमित शाह की जिहड़ी है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, वह भी पंजाब की भारतीय जनता पार्टी दे नुमाइंदे पार्टी लाइन च मेरे नाल गल हुई। एस एस चन्नी जिहड़े सबका आई एस ने, ज्ञानी जैक सिंह दे सर ला ने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने भेजा, वह कहते जी असी तो पंजाब के नाल है। जिहड़ी घट्टो घट भारतीय जनता पार्टी चाहे दिलों जां नहीं पंजाब के नाल तां शो कर रही है। हुण जे आपां गल विरोधी दी करिए, चाहे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा बोले, चाहे सतपाल सिंह खैरा बोले, चाहे सुखबीर सिंह बादल ने भी ये गल कही, मंगत राम पासला भी, गढ़ी साहब भी, लगभग सारी पार्टियां ने इहदा विरोध किया कि अमित शाह ने ऐलान करके गलत किया, पंजाब के हकों से यह डाका मारिया जा रहा है। सिर्फ आम आदमी पार्टी तो बिना सब ने इहदा विरोध किया, यह गल बड़ी अजीब लगी। तो हुण जिहड़ी रौला तो यह है, जदों कोई सुखबीर सिंह बादल बोलते हैं उन्होंने बड़े सवाल उठे जाते हैं, कांग्रेस बोलती है उन्होंने सवाल उठते हैं, राजा बनिंग ने भी कहा सवाल तो यह उठते हैं कि जो थोड़ियां सरकारां सी उदों की कीता, पर यह कह सकते हैं कि घट्टो घट उदों असी हरियाणा लई यह नहीं कीता सी जो हुण हो रहा है। सो चाहे उन्हों बंड पाओ दी नीति कहो, जो भी कहो, लेकिन पंजाब ते जे यह हो जाता है तो उहदा पंजाब ते चंडीगढ़ का हक जिहड़ा है होर उन्हों कोरन लग जूगा। मैनू लगता है कि मान साहब शायद अपना जिहड़ा ट्वीट च अपील की है जां मीटिंग करके घट्टो घट यह भी तो नैशनल पार्टियां ने, कांग्रेस भी है और जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी है यह भी नैशनल पार्टी है, ये पंजाब के हकों लई खड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी नूं भी पंजाब घट्टो घट इस मामले च पंजाब के हकों लई खड़ना चाहीदा सी, ते हाले भी कुछ नहीं बिगड़िया। कह सकते हो कि चंडीगढ़ पंजाब दा विधानसभा साडी है, हाई कोर्ट साडी है, ठीक है हरियाणा नूं दिओ जिथे मर्जी दिओ, चंडीगढ़ च नहीं दित्ती जा सकती क्योंकि तो साडी है, यह कहना बनता सी। तो देखते हैं आने वाले टाइम च, लेकिन सियासत पूरी पक्की हुई है, यह गल बिल्कुल स्पष्ट है कि कित ना कि चंडीगढ़ हौली हौली जिमें ना मुठ्ठी चो रेत किरदी है पंजाब के हथां चो, चंडीगढ़ की जिहड़ी वह हक है वह किरदा नजर आ रहा है।